चुनाव में जो फैसला होगा आने वाले 5 साल के साथ साथ हमारे देश का भविष्य कैसा होगा उसका भी फैसला लेना है। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े सपने दिखा रही है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, उसको लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बिना व्यापारियों का साथ लिए, बिना व्यापारियों के सहयोग के ये जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो व्यापारियों से व्यापार छीनने के फैसले लिए हैं, जो कानून बने हैं उनसे हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी और जिस तरीके से सरकार ने दबाव बनाया है या जो वसूली की रणनीति है सरकार, कभी अधिकारियों के माध्यम से वसूली, कभी राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से वसूली, और अब तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सूची आई है उससे तो साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसी वसूली किसी ने नहीं की होगी जितनी वसूली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके नेताओं ने की।